रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। देश भर के सभी स्कूलों में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से तीसरा सीधा प्रसारण दिखाया गया, जिसमें परीक्षा के दौरान टेंशन फ्री कैसे रहना है उसके टिप्स बच्चों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए। हमीरपुर सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल परिसर में भी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का लाइव दिखाया गया और उस दौरान बच्चों ने परीक्षा में तनाव मुक्त होकर परीक्षा देने के लिए गुर सीखे। देश भर के सभी स्कूलों में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से तीसरा सीधा प्रसारण दिखाया गया, जिसमें परीक्षा के दौरान टेंशन फ्री कैसे रहना है उसके टिप्स बच्चों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए। हमीरपुर सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल परिसर में भी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का लाइव दिखाया गया और इस दौरान बच्चों ने परीक्षा में तनाव मुक्त होकर परीक्षा देने के लिए गुर सीखे। आपको बता दें कि परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के 10 बच्चों का चयन हुआ है, जिसमें इन 10 बच्चों द्वारा परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पीएम मोदी से रूबरू होने का मौका मिला। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय हमीरपुर में भी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया, जिसमें स्कूल के 400 छात्रों ने हिस्सा लिया। वो स्कूल का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बच्चों को पीएम मोदी के द्वारा परीक्षा के दौरान टेंशन फ्री कैसे रहना है उसके टिप्स दिए गए। स्कूल की प्रधानाचार्य मंजू ठाकुर ने बताया कि आज स्कूल में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया, जिसमें स्कूल के 400 छात्रों ने हिस्सा लिया और परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त कैसे रहना है उसके बारे में जाना। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने बच्चों को बताया कि पढ़ाई के साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करें और पढ़ाई के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त रहना है और कड़ी मेहनत करनी है। ये जो परीक्षा पे चर्चा का जो विषय है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी से बच्चे जो हैं वो अलग अलग प्रश्न पूछ रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से परीक्षा पे जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी बच्चों को अच्छे अच्छे टिप्स दे रहे हैं। जैसे हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे उन्होंने बच्चों को कहा कि परीक्षा जो है वो बिना तनाव के देनी चाहिए, लेकिन अपने आप को अपने दिमाग को तनाव से कैसे मुक्त करना है इसके लिए पूरा वर्ष वर्ष जो है मेहनत करनी है और साथ में टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, टेक्नोलॉजी को अपना दोस्त बनाना है, लेकिन टेक्नोलॉजी का गुलाम नहीं बनना है। ऐसे ऐसे टिप्स जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी बच्चों को दे रहे हैं और साथ में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया बच्चों को कि डेली जो है बच्चों को 15-20 मिनट एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ पढ़ाई के अलावा जो है घर में भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो हैं वो करनी चाहिए। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम देखने के बाद बच्चों ने बताया कि पीएम मोदी के द्वारा बच्चों को परीक्षा से पहले दिए गए मंत्र से सभी छात्रों को फायदा होगा और सीखने को मिलेगा। छात्रों ने बताया कि परीक्षा के समय तनाव मुक्त रहने के लिए परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में प्रश्न पूछे गए, जिससे काफी कुछ सीखने को मिला है। मेरा नाम अंशु धीमान है, मैं 12वीं नॉन मेडिकल का छात्र हूँ। जैसे कि आज हमें लाइव प्रसारण दिखाया जा रहा है पीएम मोदी का परीक्षा पे चर्चा, जिसका तीसरा प्रसारण आज चला हुआ है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि हमें टेक्नोलॉजी से दूर रहना चाहिए। मतलब इतना मतलब ऐसे नहीं है कि हमें टेक्नोलॉजी से टोटल दूर रहना चाहिए, मोदी जी ने हमें ये बताया कि हमें टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम दिन में कम से कम ज़्यादा एक घंटा वगैरह ये चला सकते हैं और इससे हमें मतलब अच्छी चीज़ें गेन करनी चाहिए, ना कि हमें मतलब बैड थिंग्स इससे रहनी चाहिए। और एक टाइम हमारे को ऐसा निकालना चाहिए कि जिससे हम इस टेक्नोलॉजी से दूर रहें और इनके भाई ज़्यादा नज़दीक नहीं रहना है टेक्नोलॉजी, सिर्फ हम अच्छी बातें ही गेन करनी है। तो परीक्षा पे चर्चा 12वीं कक्षा का छात्र आज आपके सामने परीक्षा पे चर्चा पे अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। आज हमारे विद्यालय में परीक्षा पे चर्चा पे हमने लाइव टेलीकास्ट देखा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे डाउट्स क्लियर किए, जिसमें उन्होंने बताया कि अभिभावकों को बच्चों पे अधिक दबाव नहीं डालना चाहिए और बच्चों को स्वतंत्र रूप से परीक्षाएं देनी चाहिए। असफलता में भी हमारी सफलता की सीढ़ी होती है, जो हमारे भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता है। बच्चों ने काफ़ी प्रश्न पूछे और प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे तरीके से उनका जवाब दिया। हमें परीक्षाओं में दबाव रहित होकर परीक्षाएं देनी चाहिए और जीवन की सफलता के लिए कोशिश अवश्य करनी चाहिए। हमें अपने माता पिता के साथ भी कुछ समय व्यतीत करना चाहिए, अधिक समय ना व्यतीत करें पर अपनी परीक्षाओं को भी महत्व दें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये 2020 का सिर्फ नया वर्ष है।